नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमेश सिंह और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से RMS लाइव लर्निंग में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको गूगल क्रोम की साइट सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा। सो अगर आप गूगल क्रोम यूज़ करते हैं और इसकी साइट सेटिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। दोस्तों, गूगल क्रोम की सेटिंग्स में साइट सेटिंग्स एक ऐसा फीचर है जिसके थ्रू आप अलग अलग वेबसाइट्स के लिए परमिशंस को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। गूगल क्रोम पर आप अलग अलग वेबसाइट्स ओपन करते होंगे, ऐसे में कौन सी वेबसाइट को क्या परमिशन या एक्सेस देना है या फिर कौन सी परमिशंस को आपको ब्लॉक कर देना चाहिए, इस वीडियो में आप सीख जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं गूगल क्रोम की साइट सेटिंग्स के बारे में कि कैसे आप क्रोम की साइट सेटिंग्स को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, गूगल क्रोम की साइट सेटिंग्स में जाने के लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करना है और टॉप राइट कॉर्नर में ये 3 डॉट्स पर क्लिक करना है। इसके बाद इस तरह से कुछ ऑप्शन आएंगे, तो यहाँ पर आपको सेटिंग्स ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिसके बाद आप गूगल क्रोम की सेटिंग्स पेज में पहुंच जाएंगे। तो गाइज, यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और साइट सेटिंग्स का ये ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, इस तरह से आप गूगल क्रोम की साइट सेटिंग्स में पहुंच जाएंगे। तो गाइज, यहाँ पर आपके सामने कई अलग अलग तरह की परमिशंस आ जाएंगी जिन्हें आप अलग अलग साइट्स पर अपने अकॉर्डिंग इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ पर टॉप साइड में ऑल साइट्स के इस ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, इस तरह से आपके सामने वो सभी साइट्स आ जाएंगी जिन पर आप विजिट कर चुके हो या फिर साइन इन किया हुआ है। अब ये तमाम साइट्स आपकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है, कौन कौन से एक्सेस आपने इन्हें दिए हुए हैं, ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर किसी भी वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने उस वेबसाइट की यूसेज और परमिशन डिटेल आ जाएगी। तो गाइज, यहाँ पर आप यूसेज सेक्शन में इस वेबसाइट द्वारा स्टोर किए डेटा को देख सकते हैं। तो अगर आपने इसे डिलीट करना है तो उसके सामने डिलीट ऑप्शन पर आप क्लिक करके इसे डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर परमिशन सेक्शन में आप देख सकते हैं कि इस साइट ने कौन कौन सी परमिशंस ली हुई हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि साउंड परमिशन मैंने इस वेबसाइट को दी हुई है। इसी तरह से आपने जो जो परमिशंस दी होंगी उन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आप किसी परमिशन को डिसअलाउ करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस तरह से आपको उस पर क्लिक करना है, जिसके बाद इस तरह से एक पॉपअप ओपन होगा जिसमें आप ब्लॉक ऑप्शन पर क्लिक करके उस परमिशन को डिसअलाउ कर सकते हैं। अब अगर दोस्तों आप इस साइट को ऑल साइट हिस्ट्री से डिलीट करना चाहते हैं और इसकी यूसेज और परमिशंस को रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्लियर एंड रिसेट के इस बटन पर क्लिक करना है, जिसके बाद इस तरह से एक पॉपअप ओपन होगा। तो इसमें आपको क्लियर ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद आप इस साइट से साइन आउट हो जाओगे और इस साइट का जो ऑफलाइन डेटा है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से आप ऑल साइट सेटिंग्स ऑप्शन से किसी भी साइट का डेटा क्लियर कर सकते हैं या फिर उसे रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर कुकीज। तो इस ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, इस तरह से आपके सामने कुकीज फाइल अलाउ और डिसअलाउ करने के ऑप्शन आएंगे। तो गाइस, इन्हें आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। जितने भी वेबसाइट्स में आप विजिट करते हैं या फिर लॉगिन करते हैं उसके बेस पर कुकीज फाइल क्रिएट होती है जो उन साइट्स की मेमोरी में सेव हो जाती है, जिसके बाद अगर आप उन साइट्स को दोबारा ओपन करेंगे तो आपको फिर से लॉगिन करने की जरूरत नहीं होती है, आप डायरेक्ट उन साइट्स पर लॉगिन हो जाओगे। इसी तरह से कुछ अदर एक्टिविटीज भी हैं जिनके बेस पर अलग अलग साइट्स पर कुकीज क्रिएट हो जाती हैं। तो दोस्तों, इस तरह से अगर यहाँ पर अलाउ कुकीज का यह ऑप्शन सेलेक्ट रहता है तो जितनी भी साइट्स पर आप विजिट करेंगे उनकी कुकीज फाइल क्रिएट होती रहेगी। लेकिन अगर आप यहाँ पर ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज इन इनकॉग्निटो के इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो जितनी भी वेबसाइट्स को आप इनकॉग्निटो मोड में ओपन करेंगे उनकी कोई भी कुकीज क्रिएट नहीं होगी। इसी तरह से अगर आप ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज के इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो रेगुलर मोड में कोई भी साइट ओपन करने पर उसकी कुकीज फाइल क्रिएट नहीं होगी। और अगर आप ब्लॉक ऑल कुकीज के इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो कुकीज फाइल क्रिएट होना बंद हो जाएंगी और किसी भी वेबसाइट पर विजिट करने पर कुकीज क्रिएट नहीं होंगी और आपकी लॉगिन एक्टिविटी भी सेव नहीं होगी। इसलिए बेटर होगा कि आप यहाँ पर अलाउ कुकीज ऑप्शन को सिलेक्ट रहने दीजिए। अब अगर यहाँ पर अलाउ कुकीज ऑप्शन सेलेक्ट रहता है और इस कंडीशन में आप किसी पर्टिकुलर साइट की कुकीज फाइल को ब्लॉक करना चाहते हैं तो वो भी आप यहां से इजीली कर सकते हैं। इसके लिए यहां पर आपको ऐड साइट एक्सेप्शन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, इस तरह से एक पॉपअप ओपन होगा। तो यहां पर आपको उस साइट को एंटर करना है जिसकी कुकीज फाइल को आप ब्लॉक करना चाहते हैं। जैसे यहां पर आप किसी वेबसाइट को एंटर करके ऐड ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद उस साइट को आप जब भी ओपन करेंगे तो उसकी कोई भी कुकीज फाइल क्रिएट नहीं होगी। तो इस तरह से आप वन बाय वन करके अपने अकॉर्डिंग कई सारे एक्सेप्शन ऐड कर सकते हैं। कुकीज के बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है लोकेशन। तो गाइज, इस ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करेंगे, इस तरह से नेक्स्ट इंटरफेस में आपकी फोन लोकेशन इनेबल डिसेबल करने का ऑप्शन आएगा। तो गाइज, अगर इस तरह से यहाँ पर आप लोकेशन ऑप्शन के सामने इस टॉगल बटन को इनेबल रखते हैं तो जब भी आप किसी ऐसी साइट पर विजिट करेंगे जिसमें लोकेशन का एक्सेस मांगा जाएगा तो ऐसी साइट को ओपन करने पर
एक पॉपअप भी ओपन होगा जिसमें आपकी लोकेशन की परमिशन मांगी जाएगी, जिसे आप अपने अकॉर्डिंग अलाउ और डिसअलाउ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से लोकेशन ऑप्शन को डिसेबल कर देंगे तो किसी भी साइट पर विजिट करने पर कोई भी पॉपअप ओपन नहीं होगा और लोकेशन भी ब्लॉक हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से आप कैमरा या फिर माइक्रोफोन का एक्सेस भी अलाउ या फिर ब्लॉक कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ साइट्स हैं जिन पर विजिट करने या फिर लॉगिन करने पर मोशन सेंसर का एक्सेस मांगा जाता है, जिससे कि प्रॉक्सिमिटी या फिर फोन लाइट को एक्सेस किया जा सकता है। तो इसे भी आप अपने अकॉर्डिंग अलाउ या फिर ब्लॉक कर सकते हैं। लोकेशन की तरह ही यहाँ पर इन सभी सेटिंग्स को आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके बाद नोटिफिकेशंस ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, इस तरह से आपके सामने कुछ ऑप्शंस आएंगे। तो अगर यहाँ पर नोटिफिकेशंस ऑप्शन के सामने ये टॉगल बटन इनेबल है तो कोई भी वेबसाइट आपसे नोटिफिकेशन सेंड करने के बारे में पूछ सकती है। अगर आप इसे डिसेबल कर देंगे तो नोटिफिकेशन एक्सेस ब्लॉक हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप यूज ट्विटर मैसेजिंग का ये ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसके सामने अगर आप इस चेकबॉक्स पर टिक कर देंगे तो जिन साइट्स पर आपने नोटिफिकेशंस को इनेबल किया होगा उनसे कोई भी नोटिफिकेशन मिलने पर वो प्रॉम्प्ट नहीं करेगा या फिर कोई भी नोटिफिकेशन पॉपअप शो नहीं होगा। अब अगर आपने किसी भी साइट की नोटिफिकेशंस को ब्लॉक किया हुआ है तो इस तरह से यहाँ पर आपको ब्लॉक्ड ऑप्शन भी शो होगा, जिस पर क्लिक करके आप उन साइट्स को देख सकते हैं जिनकी नोटिफिकेशंस को आपने ब्लॉक किया होगा। इसी तरह से यहाँ पर आपको अलाउड ऑप्शन भी शो होगा अगर आपने किसी भी साइट को नोटिफिकेशन एक्सेस दिया हुआ है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे, इस तरह से आपके सामने वो सभी वेबसाइट्स आ जाएंगी जिन पर आपने नोटिफिकेशन एक्सेस को अलाउ किया होगा। अब अगर इनमें से किसी साइट की नोटिफिकेशन एक्सेस को आपको ब्लॉक करना है तो उस साइट पर आपको लॉन्ग प्रेस करना है, जिसके बाद इस तरह से एक पॉपअप ओपन होगा। तो इसमें आपको ब्लॉक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसी प्रकार से आप ब्लॉक ऑप्शन पर क्लिक करके किसी भी साइट को नोटिफिकेशन एक्सेस भी दे सकते हैं। इसके बाद जावा स्क्रिप्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप जावा स्क्रिप्ट ऑप्शन को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो किसी भी वेब पेज में कंटेंट को क्रिएट करने, अपडेट या चेंज करने या फिर मूवमेंट करने में यूज़ होती है। जैसे कि आपने कई वेबसाइट्स में देखा होगा बिना रिफ्रेश किए उनके कंटेंट ऑटोमेटिकली चेंज होते रहते हैं या फिर ऑटोमेटिकली उनमें कोई ना कोई मूवमेंट होती रहती है। ऐसा जावा स्क्रिप्ट के इस ऑप्शन के इनेबल रहने से होता है। अगर आप किसी पर्टिकुलर साइट पर इस तरह की ऑटो एक्टिविटी को बंद करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ऐड साइट एक्सेप्शन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके पॉपअप में उस वेबसाइट को एंटर करके ऐड कर सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट के बाद यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है पॉपअप्स एंड रीडायरेक्ट्स। तो इस ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने इस फीचर को इनेबल करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो गाइज ये फीचर बाय डिफॉल्ट डिसेबल रहता है, जिससे कि आप मर्चेंट साइट ओपन करने पर स्पैमर्स या फिर हैकर से सेफ रहते हैं। दरअसल पॉपअप एंड रीडायरेक्ट का यूज कुछ मर्चेंट या फिर गेटवे पेमेंट वेबसाइट्स में होता है। सो अगर आप ऐसी वेबसाइट्स में कोई पेमेंट कर रहे हैं तो आप पॉपअप या फिर किसी लिंक पर क्लिक करके अदर साइट में रिडायरेक्ट हो जाओगे और इससे आपका मर्चेंट या गेटवे वेबसाइट का जो एक्टिव सेशन है वो भी क्लोज नहीं होता है। लेकिन कई स्पैमर्स या फिर फिशिंग वेबसाइट के थ्रू पॉपअप एंड रिडायरेक्ट का गलत यूज़ होता है और स्पैमर्स और हैकर्स इसका गलत यूज़ करते हैं, इसलिए इस ऑप्शन को इस तरह से डिसेबल ही रहने दीजिए। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है एड्स। तो इस ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने एड्स ऑप्शन को इनेबल डिसेबल करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो गाइस अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल कर देंगे तो आपको कई साइट्स ओपन करने पर मिसलीडिंग और जासूसी वाली एड्स दिखाई जा सकती हैं, इसलिए एड्स ऑप्शन को इस तरह से डिसेबल ही रहने दीजिए। हालांकि ऐसा करने से सभी एड्स ब्लॉक नहीं होंगी, लेकिन कुछ मिसलीड करने वाली एड्स ब्लॉक हो जाएंगी। एड्स के बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है बैकग्राउंड सिंक। तो गाइज इस ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करेंगे इस तरह से ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है, जिससे कि अगर आपने क्रोम ब्राउजर में किसी सोशल साइट्स जैसे कि फेसबुक या फिर टेलीग्राम या ट्विटर आदि में लॉगिन किया हुआ है तो लॉगिन टैब को क्लोज करने के बाद भी साइट सिंक होती रहती है। अगर आप इसे इस तरह से डिसेबल कर देंगे तो लॉग्ड इन सोशल साइट्स में बैकग्राउंड सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा। ऐसे में अगर आप किसी पर्टिकुलर साइट को बैकग्राउंड सिंक करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐड साइट एक्सेप्शन ऑप्शन पर क्लिक करें और पॉपअप में उस सोशल साइट को एंटर करके ऐड ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है ऑटोमेटिक डाउनलोड्स। तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप किसी भी साइट में ऑटोमेटिकली डाउनलोड ऑप्शन को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। अगर इस तरह से यह ऑप्शन इनेबल रहता है तो किसी भी साइट में कोई भी फाइल ऑटोमेटिक डाउनलोड होने से पहले आपको एक कंफर्मेशन मिलेगी, जिसे आप अलाउ करेंगे तभी वो फाइल डाउनलोड होगी। अगर आप इसे डिसेबल कर देंगे तो कोई भी फाइल ऑटोमेटिकली डाउनलोड नहीं होगी। हालांकि इस कंडीशन में भी आप ऐड साइट एक्सेप्शन ऑप्शन पर क्लिक करके जिस वेबसाइट को ऐड करेंगे उससे ऑटोमेटिकली कोई भी फाइल डाउनलोड हो सकती है।
इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर प्रोटेक्टेड कंटेंट। तो इस ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से नेक्स्ट इंटरफेस में आपके सामने कुछ ऑप्शंस आएंगे। तो गाइज यहाँ पर बाय डिफॉल्ट अलाउड ऑप्शन सेलेक्ट रहता है, जिससे कि कुछ प्ले प्रोटेक्टेड म्यूजिक या मूवीज जिन्हें आप क्रोम ब्राउजर पर देखते या फिर सुनते हैं या फिर डाउनलोड करते हैं वो आपके डिवाइस की कुछ इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करती हैं और प्ले प्रोटेक्टेड कंटेंट्स यानी कि कॉपीराइटेड कंटेंट्स इजीली प्ले होते हैं या फिर डाउनलोड होते हैं। अगर आप यहां पर आस्क फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो ऐसे कंटेंट प्ले होने से पहले आपसे पूछा जाएगा, और अगर आप ब्लॉक्ड ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो ऐसी साइट्स जो प्ले प्रोटेक्टेड कंटेंट्स को प्ले करती हैं वो ब्लॉक हो जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है साउंड। तो गाइज इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अलग अलग साइट्स पर साउंड को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट यह ऑप्शन इनेबल रहता है, जिससे कि किसी भी साइट पर आप म्यूजिक या वीडियो प्ले करते हैं तो उसमें साउंड प्ले होता है। अगर आप इसे इस तरह से डिसेबल कर देंगे तो वो साइट्स म्यूट हो जाएंगी, इसलिए अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो इस ऑप्शन को इनेबल रहने दीजिए। हालांकि यहाँ पर भी आप ऐड साइट एक्सेप्शन ऑप्शन पर क्लिक करके किसी पर्टिकुलर साइट को म्यूट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है डेटा स्टोर्ड। तो गाइस इस ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने वो सभी साइट्स आ जाएंगी जिन पर आपने विजिट किया होगा या फिर लॉगिन किया होगा। इसके साथ ही इन साइट्स के सामने आप यूज्ड स्टोरेज भी देख सकते हैं, जितना स्टोरेज इन अलग अलग साइट्स ने कंज्यूम किया होगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब अगर आपको किसी एक साइट का स्टोरेज रिमूव करना है तो इस तरह से आपको उसे ओपन करना है और क्लियर एंड रिसेट के बटन पर क्लिक करना है, जिसके बाद इस तरह से एक पॉपअप ओपन होगा। तो इसमें आपको क्लियर एंड रिसेट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब अगर आप सभी साइट्स के स्टोर डेटा को रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको बॉटम साइड में क्लियर ऑल डेटा ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिसके बाद पॉपअप ओपन होगा। तो इसमें आपको क्लियर ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद सभी विजिटेड या फिर लॉग्ड इन साइट्स का स्टोरेज डेटा रिमूव हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है NFC डिवाइसेस। तो गाइज इस ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने NFC डिवाइसेस यानी कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन डिवाइसेस को इनेबल डिसेबल करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आप इस ऑप्शन को इनेबल करके किसी अदर कंपेटिबल डिवाइस में शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन कर सकते हैं, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं, वो भी फ्री में बिना मोबाइल डेटा और वाईफाई कनेक्शन के। NFC डिवाइसेस के बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है USB। तो गाइज इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप USB ऑप्शन को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। कुछ साइट्स ऐसी होती हैं जो USB या USB के थ्रू आपके डिवाइस को एक्सेस करने की परमिशन चाहती हैं, इसलिए अगर इस तरह से यह ऑप्शन इनेबल है तो किसी भी साइट के थ्रू आपके अदर डिवाइस को कनेक्ट करने की कन्फर्मेशन आपको मिलेगी, जिसे आप अलाउ करेंगे तभी डिवाइस कनेक्ट होगा। अगर आप USB कनेक्टिविटी का एक्सेस नहीं देना चाहते हैं तो यहाँ पर इस ऑप्शन को इस तरह से डिसेबल कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है क्लिपबोर्ड। तो गाइज ये ऑप्शन भी बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है, जिससे कि किसी भी साइट पर आप कोई भी वर्ड या सेंटेंस कट या कॉपी करते हैं तो वो टेम्पररी स्टोर हो जाता है, जिसे आप लॉन्ग प्रेस करके तब तक कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं जब तक आप अपने डिवाइस को रिस्टार्ट नहीं कर देते हैं। अगर आप इस ऑप्शन को डिसेबल कर देंगे तो क्लिपबोर्ड में कोई भी कट या कॉपी डेटा स्टोर नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर वर्चुअल रियलिटी। तो गाइज इस ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है, जिससे कि गूगल क्रोम पर 3D कंटेंट प्ले करने के लिए आपसे पूछा जाता है, जिसे आप अलाउ करके 3D मूवीज या फिर गेम प्ले कर सकते हैं। अगर आप इस ऑप्शन को डिसेबल कर देंगे तो आप 3D कंटेंट यूज नहीं कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर सेकेंड लास्ट ऑप्शन है ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी एक ऐसा ऑप्शन है जिसे आप इस तरह से इनेबल रखते हैं तो कुछ रिलेटेड साइट्स आपके कैमरा के थ्रू आपके आसपास के एरिया का 3D मैप क्रिएट कर सकती हैं, और अगर आप इसे डिसेबल कर देंगे तो ऐसी साइट्स के थ्रू आपकी कैमरा पोजीशन ट्रैक होना बंद हो जाएंगी। फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं लास्ट ऑप्शन में, जो है योर प्रेजेंस का। यह ऑप्शन अगर इनेबल रहता है तो आपके होम डिवाइस या फिर कनेक्टेड साइट्स में आपका ऑनलाइन स्टेटस शो होता है, जिसे आपके ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट्स या फिर वो साइट्स देख सकते हैं जिन्हें आपने इसके लिए अलाउ किया होगा। अगर आप अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस शो नहीं करना चाहते तो इस ऑप्शन को इस तरह से डिसेबल कर दीजिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद है आपको गूगल क्रोम की साइट सेटिंग्स की ये जानकारी हेल्पफुल लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, दोस्तों या शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना। तो मिलता हूँ दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।